सभी का आज के इस ऑनलाइन चर्च सर्विस में हम स्वागत करते हैं। हम परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं ये मौका प्यारो परमेश्वर ने हमें दिया उनकी आराधना करने का, उनके नाम को महिमा देने का। अरे हमारी आंखों को बंद करें, परमेश्वर की उपस्थिति में जाए प्यारो। आज का दिन परमेश्वर ने हमें दिया है उसकी महिमा करने के लिए, उसकी आराधना करने के लिए। आज धन्यवाद के साथ उसके चरणों में जाए। परमेश्वर चाहता है कि प्यारो हम उसके उपकारों को याद रखें। उसके उपकारों को भूल जाने वाले नहीं, लेकिन उसे स्मरण में रखने वाले लोग बने। आए पिछले सप्ताह में, पिछले दिनों में प्रभु ने जो उपकार हमारे जीवन में किए हैं, जो आशीष हमें दी है, उससे याद करें प्यारो। उससे लेकर परमेश्वर के नाम को धन्यवाद दें। कहिए परमेश्वर पिछले सप्ताह विश्वास योग्य बने रहो, मेरी हर एक जरूरतों को पूरा किया, मुझे सुरक्षित और सही सलामत रखा। प्रभु आपका अनुग्रह हर दिन मेरे ऊपर नया और ताजा होता रहा। परमेश्वर हर एक दिन के लिए जैसा दिन जैसा समय वैसा आपका बल आपने मुझे प्रदान किया। हर एक दिन को जीने के लिए अनुग्रह दिया प्रभु, तेरे नाम का मैं धन्यवाद करता हूँ। चाहो तो हाथों को उठाकर प्रभु को धन्यवाद करें। सब कुछ भूल जाए प्यारो, आप कहाँ पर हो, किस परिस्थिति में हो। आए परमेश्वर की उपस्थिति में थोड़े समय के लिए सब कुछ बाजू पर रख दे, पहले उसके राज्य की बातों को खोजो प्यारो। पहले जो परमेश्वर को जो पसंद है उसकी ओर ध्यान दो, बाकी सारी चीजें जिसकी आपको आवश्यकता है प्रभु उसकी केयर करेगा, वो सब प्रभु संभालेगा। आप उसकी ओर देखो, जो लोग उसकी ओर देखते हैं, परमेश्वर की ओर देखते हैं, उनको शर्म में आना नहीं पड़ता, उनको लज्जित नहीं होना पड़ता। परमेश्वर का वचन कहता है प्यारा, उसकी ओर देखने वाले तेजोमय होते हैं, प्रकाशित होते हैं, वे लज्जित नहीं होते। शायद अंधकार ने आपको गहरा हो सकता है प्यारो, शायद आपकी परिस्थिति ने आपको गहरा हो सकता है, लेकिन प्रभु यीशु की ओर देखे प्यारो, प्रभु यीशु की ओर देखे, वो आज आपको तेजोमय करेगा, वो आज आपको उठाएगा, वो आज आपको प्रकाशित करेगा, अंधकार से बाहर निकालेगा, अंकार के साम्राज्य को आपके ऊपर से तोड़ेगा। कहिए प्रभु से, प्रभु आज मैं तेरी ओर देखना चाहता हूँ, मेरे जीवन को मैं आपके हाथों में सौंपता हूँ, अपने आप को समर्पित करें। प्यारे परमेश्वर धन्यवाद आज के इस संडे के दिन के लिए प्रभु, आशीषित दिन के लिए, इस चर्च सर्विस में, इस आराधना के समय में हमें शामिल होने का ये अवसर दिया, मैं आपके नाम का धन्यवाद करता हूँ। हमारी विनती है आपकी ओर देखने के लिए हमें अनुग्रह दीजिए प्रभु, सब कुछ भूल कर हम आपकी ओर देख पाए प्रभु, ताकि आज हम तेजोमय हो प्रभु। हम परिस्थिति की ओर न देखें, हम दुखों तकलीफों की ओर न देखें, हम बीमारियों की ओर न देखें, हम कमी घटी की ओर न देखें, हमें जो चुनौती देता है उसकी ओर नहीं, लेकिन उसके ऊपर जो विजय दिलाने की सामर्थ्य रखता है उसकी ओर देखने का अनुग्रह प्रभु हमें प्रदान करें। प्रभु यीशु के नाम से मैं प्रार्थना करता हूँ, इस समय के विरुद्ध जो भी दुष्टात्मा कार्यरत हो, हम प्रभु यीशु के नाम से बांध देते हैं, तोड़ डालते हैं और निष्फल करते हैं प्रभु यीशु के सामर्थ्य और महान नाम में। आप ही की महिमा हो प्यारे पिता, और आपके ही नाम को महिमा मिले आज। हमारी ये दुआ यीशु मसीह के नाम से कबूल करिए प्यारे पिता, आमीन आमीन। अब प्यारे प्रभु को धन्यवाद देते हुए गाना मिलकर गाना चाहते, उपासना हम करते हैं आत्मा और सच्चाई से। आए आत्मा से और सच्चाई से परमेश्वर की उपासना करें, उसकी आराधना करें। और जब हम आराधना करते हैं प्यारे,
वो स्वर्ग को हमारी ओर खोल देता है। हालेलुया प्यारो, आपके घरों में आप जहां प्रभु की आराधना करते हो वहां आप स्वर्ग का आनंद आज लेने जा रहे हो, स्वर्ग का अनुभव आप लेने जा रहे हो, परमेश्वर की उपस्थिति का अनुभव आप लेने जा रहे हो। आमेन। क्योंकि आराधना वो जगह है जहां प्रभु खुद उतर आते हैं। स्वर्ग में जो परमेश्वर की उपस्थिति है वो आज आपके घरों में जीवनों में उतरने वाली है। आमेन। आए प्रभु को धन्यवाद देते हुए गाना गाएं। Thank you.
जुदा करे, हम सब झुक जाए यीशु के कदमों में, तन मन आत्मा से सजदा करे, झुक जाए यीशु के कदमों में, तन मन आत्मा से सजदा करे, जो परमेश्वर के आगे झुकते हैं वो पवित्रता में महिमावंत परमेश्वर, उसके जैसा पवित्र महिमा के योग्य और कोई नहीं है। हालेलुया, पूरा स्वर्ग आपकी आगे झुक जाता है और पूरे स्वर्ग स्वर्गदूतों के साथ हमारे सिरों को भी हम झुकता हमारे हाथों को उठाते हैं और हम कहते हैं उपासना यीशु की, आराधना स्तुति के योग्य परमेश्वर है। आइए उसे महिमा देते हुए और एक गीत गाए प्यारों। तेरी स्तुति हो, तेरी महिमा हो, प्रशंसा हो यीशु। आइए उसे धन्यवाद दे प्यारों। जय जयकार हो तेरी, तू सच्चा खुदा है। हालेलुया, हो तेरी उद्धार करता है,
वो सच्चा खुदा है प्यारो। हालेलुया। वो ऐसा परमेश्वर नहीं है जो सच्चाई से जिसमें सच्चाई ना हो प्यारो। वो जो भी बोलता है, वो जो भी कहता है, वो उसे पूरा करने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। हम अभी एक गवाही आपको बताएंगे प्यारो, लेकिन उससे पहले ये गाने में हम जाना चाहते हैं और विश्वास करें प्यारो, परमेश्वर सच्चा परमेश्वर है। हाथों को उठा कर कहिए, यीशु तो सच्चा खुदा है। ऊंची आवाज में कहिए, यीशु तो सच्चा खुदा है। आज सुबह आपकी परिस्थितियों की ओर देखकर जाहिर कीजिए कि यीशु तो सच्चा खुदा है। हालेलुया। विश्वास करें प्यारो, वो फेथफुल परमेश्वर है, वो सच्चा खुदा है। आमीन। तेरे चरणों में कितनी दूरी ना।
युग ना उसका अंत है। तेरी स्तुति हो, तेरी महिमा हो, तेरी स्तुति हो, तेरी स्तुति हो, तेरी महिमा हो, प्रशंसा हो। धन्यवाद करते, धन्यवाद करते, मैं तुझको पुकारूं के लिए आराधना करते, तेरी बड़ाई धन्यवाद करते, धन्यवाद करते, मैं तुझको पुकारूं के लिए आराधना करते, तेरी स्तुति हो। तेरी महिमा हो, प्रशंसा हो यीशु, तेरी स्तुति हाथों उठा कर गाए, तेरी महिमा हो, प्रशंसा हो यीशु। हालेलुया परमेश्वर, प्यारो स्तुति ईश्वर है, जैसा हमने बताया प्यारो, वो सच्चा खुदा है। गवाही प्यारो हम आपके साथ शेयर करना चाहते हैं। ये आप देख सकते होंगे प्यारो, ये जो व्यक्ति है, ये जो लड़का है, उसका नाम एंड्रियान है, और इसके विषय में प्यारो एक गवाही छोटी सी हम सुनेंगे और फिर तुरंत परमेश्वर की आराधना में जाएंगे। ये जो लड़का है एंड्रियान, वो बचपन से ही बहुत ही खराब परिस्थिति से होकर गुजर रहा था प्यारो। जब वो छोटा था, उसकी माँ बता रही है 12 साल ये बच्चे को बहुत ही पेनफुल दर्ददायी सिचुएशन से होकर गुजरना पड़ा प्यारो। बहुत ही कठिन परिस्थिति से होकर ये बच्चा गुजरा 12 साल तक प्यारो। और उसकी स्ट्रगल, इसकी परिस्थिति क्या थी, ये बच्चे को डाइजेशन को लेकर कुछ तकलीफ थी। जैसे ही ये कुछ खाना खाता था प्यारो, तुरंत उसे बहुत ही ज़्यादा दर्द होता पेट में, और वो एकदम बीमार हो जाता, और इतना बीमार ये उनके माता पिता को उसे गोद में लेकर बैठे रहना पड़ता, और आधा घंटा माता और आधा घंटा पिता, ऐसा बारी बारी से वो लोग पूरी रात ही बच्चे को गोद में लेकर बैठे रहते हैं। और इतनी खराब स्थिति ये बच्चे की थी, आप इसे देख रहे हो, उसे खाना पिलाना बंद कर देना पड़ा, उसे आईवी से फूड देना शुरू किया गया, मशीन से इंजेक्शन थ्रो, ये पूरी मशीनरी वो साथ लेकर घूमता था, और ये मशीन से आईवी थ्रू सीधा वेन में उसे खाना दिया जा सीधा वेन में उसे खाना दिया जाने लगा, तब जाकर उसे राहत रहती। अगर मुंह से कुछ भी खाना खाता तो उसे बहुत ही भयंकर दर्द होता था, और तुरंत वो बीमार हो जाता। ये आप देख रहे हो, स्कूल में भी जब जाता, पूरा जो मशीन था जिससे उसे खाना आईवी थ्रू सीधा वेन में दिया जाता था, वो साथ में लेकर घूमता था। और प्यारो उसके पापा और मम्मी कहते करीबन साल में 100 से 120 दिन तो वो हॉस्पिटल में गुजारते थे। कितनी दर्ददायी परिस्थिति होगी, हम एक दो दिन जाते हैं हम परेशान हो जाते हैं। ये माता पिता छोटे बच्चे को लेकर 100 से 120 दिन हॉस्पिटल में गुजारते थे प्यारो। और प्यारो ये उसकी परिस्थिति थी। जैसे जैसे ये बड़ा होता गया, और ज़्यादा उसकी परेशानी बढ़ती गई, उससे एपिलेप्सी की बीमारी हुई, उससे मस्क्यूलर डिसऑर्डर होने लगा, उसका शरीर ढंग से बढ़ नहीं पा रहा था, उसके मसल्स इतने वीक हो गए थे कि वो अपने आप को संभाल नहीं सकता था। पर एक दिन प्यारो डॉक्टर ने उन्हें बताया कि अब बेहतर होगा कि एक थोड़े दिन छुट्टी लेकर आप कहीं घूमने जाओ, अच्छी मेमोरी बनाओ अपने बच्चे के साथ, क्योंकि नेक्स्ट ईयर अगले साल तक
ये जीवित नहीं रहेगा। अच्छा अपने बेटे को ले जाओ और कहीं घूमो फिरो, अच्छी मेमोरी बनाओ, यादें बनाओ, जो यादों के सहारे पूरा जीवन आप बिता सको। और ये माता पिता सोच रहे थे हम कहाँ जाए, उन्होंने सोचा हम डिज्नीलैंड ले जा रहे, लेकिन वो सोचते ही उनके मन में ख्याल आया ये वहाँ एंजॉय नहीं कर पाएगा, दरिया किनारे भी ले जाए वो वहाँ कुछ नहीं कर सकता था। उन्होंने सोचा चलो कॉन्फ्रेंस में जाते हैं, जहाँ परमेश्वर की आराधना होती है वहाँ जाते हैं। और जब ये बच्चे को लेकर वे कॉन्फ्रेंस में गए और ये बेटा वहाँ जाकर बोला कि माँ आज का ये दिन परमेश्वर ने हमारे लिए तय किया है। और उसका एक स्टेटमेंट ये बच्चे का जब वो कॉन्फ्रेंस में गया तब उसने जो मुँह से बोला वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। छोटे बच्चे ने अपने मम्मी से पापा से कहा परमेश्वर जो भी मेरे लिए करेगा वो श्रेष्ठ होगा। हालेलुया, मैं जानता हूँ मेरे पास, मेरे लिए परमेश्वर के पास अद्भुत योजना है और वो मेरे लिए अद्भुत काम करेगा। और प्यारो वो कॉन्फ्रेंस में जब आखिरी दुआ हो रही थी, पास्टर साहब ने कहा यहाँ कोई है जिसके लिए मैं दुआ कर रहा हूँ, चमत्कार किसके जीवन में हो। ये बच्चे ने हाथ उठाया, वो पास्टर साहब दुआ कर रहे थे और एक व्यक्ति उसके पास था उसके लिए दुआ करने लगा। वो दुआ खत्म हुई, माता पिता रेस्टोरेंट में गए, होटल में गए और वे बीच में जो लंच ब्रेक था उसमें अपना लंच ले रहे थे। और हमेशा वो अपने बेटे के लिए भले ही वो खा नहीं सकता था एक प्लेट वहाँ रखते थे ताकि वो एटलीस्ट स्मेल कर सके खाना, और वो खाने को देखकर स्मेल करके वो संतोष माने। उन्होंने वहाँ ब्रेड स्टिक रखी, और बच्चे को बताया कि ये तू ब्रेड स्टिक रखी है उसे स्मेल कर सकता है, उसके साथ तू खेल सकता है। और माता पिता अपना लंच ले रहे थे और जैसे ही माता पिता लंच ले रहे थे ये बच्चा एकदम से वो जो ब्रेड का स्टिक था वो लेकर खाने लगा। और उसके पापा एकदम चकित हो गए, वो डर गए कि ये ब्रेड स्टिक इसने खा लिया बड़ी परेशानी होगी और हमें इसको लेकर हॉस्पिटल दौड़ना पड़ेगा, वो चिंता में थे। लेकिन थोड़े ही समय के बाद उन्होंने देखा इससे कुछ नहीं हो रहा। वो पूरी रात उन्होंने डर के मारे गुजारी कि इसने कुछ खा लिया है, वो गया काम से। सुबह माता पिता उसके रूम में गए, उसकी चादर उठाकर देखने लगे कि या ये बच्चा हमारा जीवित है भी या नहीं। उन्होंने चादर उठाई, वो बच्चा जीवित था। और वो सुबह ब्रेकफास्ट में पहली बार ये बेटे ने पेट भर के खाना खाया। हालेलुया। और ये लड़का कहता है 11 साल की उम्र में उसने अपने मम्मी को वो कॉन्फ्रेंस के दिन बताया था कि प्रभु के पास जो मेरे लिए है वो बेस्ट है और वो मेरे लिए बेस्ट करेगा। आज वो 16 साल का हो गया, एकदम नॉर्मल है, एकदम स्वस्थ है। और 12 साल जो नहीं खा पाया बर्गर ये सब वो सब कुछ ये खाने लगा है और उसे अब कोई तकलीफ नहीं हो रही। डॉक्टर्स ने बताया था 1 साल भी शायद वो नहीं जिएगा, आज वो जिंदा है, आज वो स्वस्थ है। डॉक्टर्स कहते हैं ये गवाही का जो टाइटल था प्यारो हम आपको फिर से बताना चाहते हैं, स्टोरी दैट कैंट बी कम एक्सप्लेन बाय साइंस, एक गवाही जिससे विज्ञान एक्सप्लेन नहीं कर सकता। कैसे ये ठीक हुआ, सिर्फ परमेश्वर की दया और अनुग्रह से। हालेलुया। आए अपने हाथों को उठाए प्यारो और प्रभु को महिमा दे, प्रभु से कहे प्रभु तू सच्चा खुदा है, तेरे जैसा कोई ही नहीं है यीशु, तेरे जैसा कोई नहीं, तू अद्भुत काम आज भी कर सकता है जो साइंस एक्सप्लेन न कर पाए, साइंस बयान न कर पाए, जो डॉक्टर्स न कर पाए। डॉक्टर्स हाथ धो दे, हम खुद ये मान ले कि अभी ये संभव नहीं। ये माता पिता जो ये बच्चा था उसके माता पिता यही सोच रहे थे इससे अच्छा है हमारा बेटा मर जाए, वो मुंह से बोल रहे थे कि अच्छा है, अच्छा होगा मेरा बेटा मर जाए। लेकिन परमेश्वर के पास ये बेटे के लिए अद्भुत योजना थी और परमेश्वर ने अद्भुत काम किए। वो ही परमेश्वर आपका और मेरा परमेश्वर है, वो सच्चा खुदा है। हालेलुया। आई उससे महिमा दे, हाथों को उठाकर फिर से एक बार गाए तेरी स्तुति हो। ये
स्तुति हो तेरी महिमा हो हालेलुया, वो स्तुति के प्रशंसा के योग्य परमेश्वर है। आए प्यारो प्रभु को धन्यवाद देते हुए एक आखिरी गाना हम गाना चाहते हैं। अपने आप को प्यारो वही परमेश्वर के हाथों में समर्पित करना चाहते हैं। वो हमारा कुंभार है, जैसे वो बेटे ने कहा प्रभु के पास जो मेरे लिए योजना है वो श्रेष्ठ है। आज उसके ऊपर विश्वास करें, आपके लिए परमेश्वर के पास श्रेष्ठ योजना है प्यारो, श्रेष्ठ उसकी इच्छा है जो वो आपके जीवनों में जरूर पूरा करेगा। भले अभी तक आपको लग रहा हो कि कुछ अच्छा नहीं हो रहा है, वो आपके लिए कुछ बहुत ही अद्भुत करने जा रहा है। भले ही सब हाथ धो दे, वो कुंभार है जो आपके जीवन को अपने हाथों में लेकर उससे श्रेष्ठ और सुंदर बनाएगा प्यारो। वो कुंभार ऐसा कुंभार नहीं जो टूटे बर्तन को फेंक दे, वो टूटे बर्तनों से ही सुंदर बर्तन बनाता है। हालेलुया, आई उस महिमा देती हूँ गाना का। कृपा मांगे प्रभु
से। अनुग्रह दे तेरी आत्मा से ताकि बना रहूं मैं सर्वदा। अनुग्रह दे तेरी आत्मा से ताकि बना रहूं मैं सर्वदा। अपनी जानती है तुम्हें यीशु, अपनी जानती है तुम्हें यीशु, मैं तेरा हूँ, पीछे न हट जाऊँ मैं, ऐसा तुम सामर्थ्य यीशु। प्यारो प्रभु सत्य है, प्रभु जो उद्धार तूने मुझे दिया है, जो शांति छुटकारा दिया उसकी घोषणा करने वाला तू मुझे बना, तेरे वचनों पर स्थिर रहने का अनुग्रह दे, तेरे आंगों तक दुष्ट से मैं लिपटा रहा हूं। उद्धार की घोषणा करने सामर्थ्य मुझको प्रभु से पूरे दिल से अर्पण करता हूँ, तुम्हारे हाथों में बर्तन समा, मुझको बना दे तू मेरे यीशु, मैं थक ना जाऊँ यीशु, इस जिंदगी में कभी यीशु संग तेरे रहना है, मैं थक ना जाऊं यीशु, इस जिंदगी में कभी जब तक ये चाह है यीशु संग तेरे। प्रभु आज हमारी दुआ है, आज हमारी प्रार्थना है, प्रभु हम थके बिना हारे बिना जिसके पास हमारे लिए श्रेष्ठ योजना है,
उसमें हमेशा बने रहे प्रभु, ऐसा अनुग्रह हम पर होने दीजिए। हमारी आराधना धन्यवाद की बेटे यीशु के नाम में आपके चरणों में आप कबूल करें। आमीन।